हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वॉचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पर एक एग्जांपल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, पी क्यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स मैनी प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड। पी क्यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके तीन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड सबके फैक्ट्री ओवरहेड दिए गए हैं। ये एक्स के फैक्ट्री ओवरहेड है, एक्स के डायरेक्ट लेबर आवर है और एक्स की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। वाई की और जेड की हमें दी गई है। प्रोडक्शन रिकॉर्ड एट एंड ऑफ ईयर इंडिकेट द फॉलोइंग फॉर प्रोडक्ट लाइन क्रिश। यूनिट प्रोड्यूस एक्स वाई और जेड में कितनी की गई है। प्राइम कॉस्ट दी गई है एक्स की, डायरेक्ट लेबर आवर दिए गए हैं। वाई की डिपार्टमेंट की प्राइम कॉस्ट दी गई है, डायरेक्ट लेबर आवर दिए गए हैं और जेड की दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आवर रेट पे और क्रिश लाइन फॉर यूजिंग प्लांट वाइज रेट और डिपार्टमेंट रेट। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आवर रेट फॉर डिपार्टमेंट्स ये हमने फर्स्ट लिया डिपार्टमेंट एक्स, तीनों की लाइन वाइज निकालेंगे। डिपार्टमेंट एक्स का फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 1,24,000 डिवाइड बाय, और डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं, 80। तो ये काट के बना 1.55। नेक्स्ट अब हम लेंगे डिपार्टमेंट वाई की। डिपार्टमेंट वाई का फैक्ट्री ओवरहेड है 2,30,000। डिपार्टमेंट वाई का 2,30,000 और इसका डायरेक्ट आवर्स कितने हैं, 1,15,000 डिवाइड 1,15,000 इक्वल 2। हम लेंगे डिपार्टमेंट जेड का। देखिए डिपार्टमेंट जेड 546,000 डिवाइड आवर्स कितने हैं हम पे, 1,05,000 5.20। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। हमें इस फॉर्मूले में यहाँ से देख के फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर आवर सब कुछ वैसे ही लगा के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट हमें लगाना है प्लांट वाइज ओवरहेड। प्लांट वाइज ओवरहेड इसमें हम सभी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का टोटल कर देंगे। सभी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स डिवाइड बाय सभी डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर आवर को। अब सभी डिपार्टमेंट के ओवरहेड हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। ये देखिए डिपार्टमेंट एक्स प्लस वाई प्लस डिपार्टमेंट जेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय डिपार्टमेंट एक्स प्लस डिपार्टमेंट वाई प्लस डिपार्टमेंट जेड लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर
आवर। तो हमारे पास क्या आ गया, 900,000 डिवाइड बाय 300,000। हमारे पास आ गया 3। अब हम क्रेश लाइन यूजिंग डिपार्टमेंटल रेट निकाल लेंगे। लाइन यूजिंग डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल रेट्स, इसका हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हम पे 3 डिपार्टमेंट है इसलिए एक्स वाई जेड 3 कॉलम लिए। ये पर्टिकुलर का कॉलम है। अब हम लेंगे यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्स वाई जेड की प्राइम कॉस्ट कितनी है। प्राइम कॉस्ट 45,000, 10,500, 59,500। 45,000, 10,500 और 59,500। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ये हम निकालेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पे कितने हैं, 10,000। और यहाँ पे हमारा रेट क्या आया था, 1.55। तो 10,000 मल्टीप्लाई 1.55 ये हमारा आ गया 15,500। नेक्स्ट हमारा क्या था, डायरेक्ट लेबर आवर 5,000 डिपार्टमेंट वाई के लिए। डिपार्टमेंट वाई के लिए 5,000 लेबर आवर्स थे, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेट क्या आया था, 2। दो हमारे पास रेट आया था, ये आ गया 10,000 डिपार्टमेंट वाई के लिए। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट जेड का था 30,000 लेबर आवर, मल्टीप्लाई बाय हमारा जेड का था रेट 5.20। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5.20, तो ये आ गया 156,000। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 45 और 15 60,500 और ये 10,000 20,500 और ये 215,500। अब हम नीचे निकालेंगे प्लांट वाइज रेट। ये डिपार्टमेंटल रेट था, हमें क्वेश्चन में दो तरह से निकालना है, डिपार्टमेंटल रेट और प्लांट वाइज। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे प्लांट वाइज। प्राइम कॉस्ट एक लाख 15,000, ये सबका टोटल है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 135,000, 250,000। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिपार्टमेंट हो तो अलग अलग मेथड से कैसे करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।